हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक आपने स्टडी कर लिया था एसी सर्किट कंटेन रेजिस्टेंस ओनली, कैपेसिटर ओनली, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट। अभी हम करेंगे एलसीआर या आरसीएल या आरएलसी सर्किट। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अपना एसी सर्किट कंटेन रजिस्टर, कैपेसिटर एंड ए इंडक्टर इन सीरीज। तो आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम स्टडी कर रहे हैं, मैं योगेश कुमार आपके साथ, एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी। ठीक है, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो भाई एलसीआर कह सकते हो, आरसीएल कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैंने इंडक्टर बना लिया, ये मैंने इंडक्टर बना लिया, ये मैंने कैपेसिटर बना लिया, और ये मैंने एक रजिस्टर बना लिया, और इनको एसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स से इनको क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, एसी सोर्स आपने यहाँ पर ले लिया, एसी सोर्स। ठीक है, जैसा आप जानते हो कि ये इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस एल होगी, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस सी होगी, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस आर होगी। दूसरा, आपने सेकंड यूनिट में एक बात और पढ़ी थी कि इन सीरीज करंट इज कॉन्स्टेंट बट पोटेंशियल वेरीज। मीन्स इसके अंदर से करंट तो सेम जाएगा, सारा सब जगह करंट तो सेम ही होगा, करंट तो आई ही होगा, लेकिन इसका ईएमएफ अलग होगा, इसका ईएमएफ अलग और इसका ईएमएफ अलग। यानी कि जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो, जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ले सकते हो आप। ठीक है, जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो या आप जो करंट आप ले रहे हो, ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपने ईएमएफ ई अप्लाई किया है। ठीक है भाई, तो इसका जो पोटेंशियल होगा उसको मैं वी एल ले लूं, इसको वी सी ले लूं और इसको वी आर ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। वी एल वी सी एंड ए वी आर। अब वी एल वी सी और वी आर क्या कह रहा है, वी एल वी सी और वी आर कह रहा है कि यहां पर हम बात करें तो आपने ओनली केस ऑफ इंडक्टर पढ़ा था तो आपने ऑब्जर्व किया था कि जो वोल्टेज हमारी है वो करंट से, ये करंट अगर हमारा ले रहे हैं तो ये वोल्टेज हमारी है वी एल, वो पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से आके थी। पढ़ा था आपने, वोल्टेज थ्रू द इंडक्टर पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से आके थी। इसी प्रकार से कैपेसिटर में आपने पढ़ा कि जो वोल्टेज है वो वी सी, वो पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से पीछे थी पीछे भाई। और इस प्रकार से आपने रजिस्टर पढ़ा था, वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, यही पढ़ा था कि जो करंट हमने यहाँ पर जो वोल्टेज ली वी एल दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, ये पढ़ी वी सी दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, और ये वी आर दैट इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये वैल्यूज हमने जब निकाली एक्स एल और एक्स सी, जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस हैं किसकी, इंडक्टर और कैपेसिटर के। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करें कि ये इंडक्टर ले लिया और ये कैपेसिटर ले लिया। यहाँ हम बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड की बात आती है तो एनर्जी स्टोर्ड होती है कैपेसिटर में ज़्यादा, और एनर्जी कंज्यूम की बात आती है, जो वोल्टेज अप्लाइड की बात आती है, तो वो इंडक्टर में ज्यादा होती है। किसमें ज्यादा होती है, इंडक्टर में। तो अब एक बात ऑब्जर्व करो, करंट सब में इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में। वोल्टेज इंडक्टर में अपवर्ड जा रही है, कैपेसिटर में डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस में इधर,
तो मैं इन तीनों को मिलाकर के एक अलग फेज डायग्राम बना रहा हूँ, और वो डायग्राम बना रहा हूँ ये कि ये हमने क्या ले लिया, यहाँ से इधर करंट ले लिया। अब वोल्टेज कितनी आगे थी, वी एल पाई बाई टू थी। अरे पाई बाई टू थी कि नहीं थी, इसको वी एल यहाँ ले लो, वी एल इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है भाई। इसी तरह से वी सी क्या थी भाई, वी सी पाई बाई टू पीछे थी, ये पाई बाई टू पीछे थी, ये पाई बाई टू आगे थी, ठीक ही नहीं थी। चलो ठीक, यहाँ से हम बात करें तो इधर थी वी आर, ठीक है भाई। अब एक बात ध्यान करो कि यहाँ से मैंने आपसे कहा कि जो वोल्टेज कंज्यूम होगी वो लार्जर होगी एज कंपेयर टू कैपेसिटर, एज कंपेयर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर के कंपेयर, ठीक है। आगे बात समझ में, चलें आगे। चलो देखो, तो यहाँ से हम बात करें तो ये वोल्टेज हमने ले ली भाई, ये वी एल होगी, ये वी सी होगी। अब ये ज़्यादा है तो नेट रिजल्टेंट यहाँ हमने बी मानना था, बी हमने यहाँ मान लिया, तो ये वी एल था। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वी एल माइनस वी सी, नेट रिजल्टेंट भाई वी एल माइनस ए वी सी। इधर वी आर, तो एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, रिजल्टेंट ये बनता है। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये रिजल्टेंट आ गया भाई आपका, ये के ओ के हमने रिजल्टेंट ले लिया। क्या ले लिया, रिजल्टेंट, ठीक है भाई। ओके क्या ले लिया, रिजल्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसने फाई का एंगल बना लिया, फाई एंगल बना लिया, क्या बना लिया, फाई एंगल। अब इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज क्या अप्लाई हो रही है, वी एल दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, इसको हम आई नोट लेके चलेंगे। यहाँ वी सी क्या आ रही है, आई नोट इंटू एक्स सी, और वी आर आ रहा है आई नोट इंटू आर, ठीक है भाई। ओके अब देखो, फ्रॉम द फेजर डायग्राम क्या कह रहा है कि भाई यहां से ये तो लिया था हमने ए, ये ले लिया हमने बी डैश ले लिया, क्या ले लिया, बी डैश, ठीक है। तो हमें अगर ये निकालना हो ओके, तो ओके का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वेयर प्लस ए के का स्क्वेयर। अब ए के है ओ बी डैश के इक्वल, ए के दैट इज इक्वल टू ओ बी डैश एंड दैट इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस ए वी सी। वैल्यू आ गई यहाँ, ओ ए की वैल्यू आ गई सीधी सी वी आर, रख दो भाई ओ के का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू, ये इसको ई नॉट ले लो भाई, मैक्सिमम पीक वैल्यू ले लो, ई नॉट का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू वी आर का स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वेयर, ठीक है भाई। ये वैल्यू रख दो सारी इसमें, क्या वैल्यू आ जाएगी, ई नोट का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आई नोट इंटू आर का स्क्वेयर प्लस आई नोट इंटू एक्स एल माइनस आई नोट इंटू एक्स सी और इसका होल स्क्वेयर, ठीक है भाई। वैल्यू आई नोट बाहर आ गया, ई नोट का स्क्वेयर है भाई ये, ई नोट का स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर बाहर आ गया, आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर, ठीक है भाई। इसको हम बाहर लेके चलेंगे
तो ई नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का होल स्क्वेयर। आई नॉट बाहर आएगा, ई नॉट दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का होल स्क्वेयर। आई नॉट को उधर ले जाओ, ई नॉट अपॉन आई नॉट दैट इज इक्वल टू जेड दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर। यहाँ से आ गया जेड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का होल स्क्वेयर, दैट इज नोन एज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई? इम्पीडेंस कराएगा। समझ में आ गया? अब यहां से ये फाई ले लिया हमने भाई, क्या ले लिया? फाई। ठीक है, अब फाई से पहले अगर मैं बात करूं, यहां तक समझ में आ गया होगा, उससे पहले मैं बात करूं कि अगर जेड में हम जेड लेके चलें, जेड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का होल स्क्वेयर, इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी तो जेड इज इक्वल टू आर, ओनली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है भाई, अगर एक्स एल बड़ा है एक्स सी से तो इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। अगर एक्स एल छोटा है एक्स सी से तो कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव सर्किट। चले भाई आगे। चलो अब देखो, यहां से हम लेके चले तो ये जो डायग्राम हमारा बन रहा है, ऊपर वाला जो डायग्राम बन रहा है, ये जो डायग्राम हमारा बन रहा है, इससे ले तो भाई ये ट्राइंगल ले ले ओ के ए से। तो हमारे पंडित बद्री प्रसाद कह गए थे क्या, हर हर बोले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटन्यूज जेड। भाई साहब यहां से परपेंडिकुलर है हमारा ये आर आ जाएगा, आर आएगा बेटा ये वी आर की बजाय, सॉरी ये परपेंडिकुलर है एक्स एल माइनस एक्स सी। अगर आप लेके चलोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये जेड आ जाएगा, ये एक्स एल माइनस एक्स सी आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, यहाँ एंगल आ जाएगा फाई, ये ओ ये के ये ए, वोल्टेज में करंट तीनों में कॉमन निकाल लिया हमने। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है जेड दैट इज इक्वल टू साइन फाई। दूसरा सेकंड क्या है? बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस क्या है? आर अपॉन हाइपोटन्यूज जेड, आर अपॉन जेड कोस फाई। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये आएगा टेन फाई। क्या आएगा? टेन ए फाई। क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया होगा? यहां तक समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। अब देखो हम बात करें तो सर्किट में मैंने आपको बताया कि इसकी वोल्टेज अलग होगी, इसकी वोल्टेज अलग और इसकी अलग, तीनों की वोल्टेज अलग अलग है। अब आप करंट तो दे रहे हो, एक करंट तो सेम दे रहे हो, वोल्टेज अलग अलग है तो नेट वोल्टेज ले लें। नेट वोल्टेज क्या आएगी? E दैट इज इक्वल टू ई एल प्लस ई सी प्लस ई आर। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। तो भाई पहले ई एल ले लो, ई एल क्या आएगा? ई एल एल डी आई बाई डी टी होता है। अरे बोलो, अप्लाइड अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ
एल डी आई बाई डी टी। अब आई हमने यहाँ ले लिया, आई की वैल्यू ले ली इंस्टेंटेनियस करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको डिफरेंशिएट करो क्या वैल्यू आ जाएगी, ई एल दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वैल्यू आ गई डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, साइन का आ जाएगा कोस, साइन का डिफरेंशिएशन कोस, ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा टी का क्या आ जाएगा ओमेगा। अगर साइन टू थीटा है तो साइन का डिफरेंशिएशन फिर टू थीटा का, थीटा के साथ जो वेरिएबल टर्म है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है भाई, तो वैल्यू आ गई ई एल दैट इज इक्वल टू एल आई नॉट साथ में कोस ओमेगा टी इन टू ओमेगा, तो ई एल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल आई नॉट कोस ओमेगा टी। ओमेगा एल किसके इक्वल होता है, अरे ओमेगा एल होता है बेटा एक्स एल के इक्वल, एक्स एल रख दो भाई, ई एल क्या आ जाएगा, ई एल आ जाएगा आई नॉट एक्स एल कोस ओमेगा टी, ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड ई सी क्या आ जाएगा, ई सी अरे आप सब जानते हो क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो भाई साहब वी इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन सी है कि नहीं है, चलो तो भाई साहब वी इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई सी दैट इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन सी। अब दूसरी तरफ आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है कि नहीं होता है, होता है सर, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो भाई सीधा सीधा सा रख दो डी क्यू दैट इज इक्वल टू आई इन टू डी टी, तो बेटा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। आई की वैल्यू क्या है, ये है भाई ये है, तो रख दो आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो क्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, इंटू डी टी इंटू डी टी, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, क्यू दैट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है भाई, वैल्यू आ गई ये क्यू की वैल्यू, इस क्यू की वैल्यू को यहाँ रख दो भाई, वैल्यू आ गई सीधी सीधी सी ई सी दैट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा सी, सी नीचे था ओमेगा ये वाला आ जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लिया कोस ओमेगा टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू क्या आई, तीसरी वैल्यू आई वी इज इक्वल टू आई आर, तो ई आर दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर, तो ई आर दैट इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई भाई। अब देखो ये तो आ गई ई एल, ये आ गई ई सी और ये आ गई ई आर, तीनों वहां रख दें, चलो तीनों वहां रखते हैं बाकी सब कुछ मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, बाकी तो तीनों वैल्यू रख लेता हूँ, बाकी सब कुछ मिटा रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ तीनों वैल्यू रख रहा हूँ और बाकी सब कुछ मिटा दिया मैंने। ठीक है भाई, रखते हैं, लो लो रखो भाई, ई दैट इज इक्वल टू ई एल की वैल्यू है आई नॉट इंटू एक्स एल, ये क्या था भाई कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। ई सी की वैल्यू है माइनस आई नोट, अरे ये वन अपॉन ओमेगा सी को, वन अपॉन ओमेगा सी को आप एक्स सी मान लो भाई, तो वैल्यू आ गई एक्स सी इंटू कोस ओमेगा टी प्लस आई नोट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, ये तीनों वैल्यू रख दी, तीनों वैल्यू रखने के बाद इसका कोई काम नहीं, इनका
इनको मिटा दो भाई, ये इनका कोई काम नहीं है। तो बेटा आई नोट कॉमन आ रहा है, आई नोट कॉमन बाहर निकाल लो। ई दैट इज इक्वल टू आई नोट कॉमन आ गया भाई, ये वैल्यू आ गई भाई एक्स एल कोस ओमेगा टी माइनस एक्स सी कोस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। इनमें से कॉमन आ रहा है कुछ, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी बाहर निकाल लो भाई। ई दैट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल माइनस एक्स सी कोस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं भाई, जेड से मल्टीप्लाई कर दो, जेड से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, जेड से मल्टीप्लाई जेड से डिवाइड। ई दैट इज इक्वल टू जेड आई नोट, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, अंदर लेके आओ एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में जेड कोस ओमेगा टी प्लस आर अपॉन जेड साइन ओमेगा टी। अब हमने पीछे निकाला था भाई साहब ये एक्स एल अपॉन एक्स सी अपॉन जेड, इस ट्रायंगल से ध्यान होगा आपको, इस ट्रायंगल से ये जेड था, ये एक्स एल था, ये एक्स सी था और ये आर था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन फाई आया था ना, साइन फाई आया था, तो यहां मैं रख दूं साइन फाई, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस फाई। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू साइन फाई, आर अपॉन जेड दैट इज इक्वल टू कोस फाई। रख दो भाई ई दैट इज इक्वल टू जेड आई नॉट, वैल्यू आ जाएगी साइन फाई कोस ओमेगा टी प्लस कोस फाई साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला बनता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का, साइन ए कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, वैल्यू आ गई ई दैट इज इक्वल टू जेड आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जेड आई नॉट ई नॉट अपॉन आई नॉट था जेड के इक्वल, तो ई नॉट आ गया हमारा जेड आई नॉट के इक्वल, तो ई आ गया हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।